प्रिय नेता जिनके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, आनंद शर्मा जी, कुलदीप राठौर जी, गुरकिरत सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, मंच पे उपस्थित सभी विधायकगण, जिला के प्रधान शिव कुमार जी, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, सभी के हमारे साथी, पूरी शिमला पार्लियामेंट क्षेत्र से आए हुए यहाँ पे मेरी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, और जिनके लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं, ये हमारे शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट धनीराम शांडिल जी। राहुल जी, बेसब्री से इंतजार हो रहा था आपका, और आपको मालूम होगा कि गए 3-4 दिन से हिमाचल का जो माहौल है, जो वेदर है, वो इतना खराब था कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी हालत में आज हमें बचाएं, क्योंकि प्रियंका जी की मीटिंग हमारी मंडी क्षेत्र में रही थी, तय हो चुकी थी, और प्रियंका जी आई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे, लेकिन उड़ान नहीं भर पाई क्योंकि बहुत ही वातावरण खराब हो गया। और आज जब राहुल जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल हुआ है, और बहुत दूर दराज से ये लोग आए हैं। राहुल जी यहाँ पे आना, मुझे लगता था मैंने महाराष्ट्र से मैं आई हूँ, मुझे लगता था कि लोग तो आते हैं, लेकिन यहाँ का आना जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग इकट्ठा करना और यहाँ पे यहाँ तक आना कितना लोगों के लिए मुश्किल है, मैं ये महसूस करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। मैं सिर्फ 2-3 मिनटों में मेरी भाषण में बंद करूंगी, इसका कारण मुझे पूरा पता है कि हर एक के मन पे राहुल जी को सुनना है, लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में मेरी मन की बात यहाँ पे बताने वाली हूँ। राहुल जी, आपने एक बहुत अच्छी योजना हमारे लोगों को दी है। 5 साल पहले जब ये सपनों का सौदागर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे, बहुत बड़े सपने बेचकर चले गए थे, और जब अमित शाह जी को पूछा गया कि ये क्या होता है कि 15 लाख रुपया हर खातेदार के अंदर खाते में डालने वाले थे, ये क्या होता है कि आप महिलाओं को सुरक्षा देने वाले थे, ये क्या होता है कि आप 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, ये सब क्या किया था आपने, आपने वादा किया था, सपने दिखाए थे, तो बाद में अमित शाह ने बोला ये तो एक चुनावी जुमला था, ऐसे हंस के बोला और हमारी खिल्लत कर दी। मैं यही बात बताना चाहती हूँ राहुल जी कि हमारे हिंदुस्तान के लोग सीधे हैं, भोले हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है, उनको मूर्ख नहीं बना सकता कोई, उनको अगर कोई मूर्ख बनाएगा तो 19 तारीख को जब चुनाव आएगा तो ये सब सवालों के जवाब मोदी जी को आप लोग पूछेंगे और उसका जवाब उनसे आंसर लेंगे। मैं बताना चाहूंगी राहुल जी को कि राहुल जी, आपने जब आपको ये पता चला कि हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपने हम सब लोगों को बुलाया और बताया कि जाओ आप सब लोगों में जाओ, हमें कांग्रेस का जाहिरनामा प्रस्तुत करना है। 121 मीटिंग हम लोगों ने ली और आपने हमें एक फॉर्मूला बना के दिया, जो होता है वही आप करते हैं। 72,000 ये जो पोस्टर दिख रहे हैं, उन्होंने बोला 72,000 रुपए सालाना 5 करोड़ गरीब लोगों को दिया जाएगा, और वो भी आपके खाते में नहीं, भाइयों तालियां मत बजाओ, बहनों के खाते में जाएगा, मेरी बहनों के खाते में जाएगा वो 72,000 रुपए, हमारी महिलाओं के खाते में जाए, महिलाओं के खाते में जाएगा, बहनों के खाते में जाएगा, और ये लोगों को यहाँ पे आधार देने का कोशिश न्याय न्यूनतम आय योजना के माध्यम से राहुल जी करना चाह रहे हैं। किसान जो हम जिस परिवार से हम आते हैं, किसान परिवार को पहले से ही बजट होता था, लेकिन अब किसानों के लिए अलग से बजट राहुल जी पेश करेंगे, जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2-2 बजट पेश किए जाएंगे, एक आम जनता के लिए बजट और एक किसान के लिए बजट, हमारे 2 बजट राहुल गांधी इस बार पेश करेंगे, इसका मेरे मन में कोई शंका नहीं। मैं आपको सिर्फ यही बताने आई हूँ कि गए 10 साल पहले राहुल जी ने एक बात कही थी और उस बात के लिए उनको मुंबई के भिवंडी के चक्कर लगाने पड़े, और वो बात उनकी जुबान पे जो उनके मन में थी, RSS के लोगों की, जो BJP के लोगों के मन में बात थी, वो उनके जुबान पे आ गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कल नथुराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बना के इस देश को एक कलंक साबित किया, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, और वो हमारा नेता गए 10 साल से बोल रहा है,
10 साल से राहुल जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, चक्कर कटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये लोगों की मन की बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश अभी आपके सामने आ गई, यही मैं बताना चाहती थी। और दूसरी एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारे लिए हमारे बहुत प्रिय राजीव गांधी, जो सिर्फ राहुल गांधी जी के पिताजी नहीं, सिर्फ प्रियंका गांधी जी के पिताजी नहीं, हमारे भी भाई थे, आपके भी भाई थे, किसी के पिता थे, किसी के चाचा थे, किसी के मामा थे। राजीव गांधी को मानने वाला ये देश, अगर राजीव गांधी की कोई चेष्टा की जाएगी, अगर राजीव गांधी को लांछन लगा दिया जाएगा तो कभी माफ नहीं करेगा। ये हमें उनको 19 तारीख को बताना है। जिस राजीव गांधी को मरने के बाद भी वो इस तरह से लांछन लगाते हैं, उस नरेंद्र मोदी को अभी आपको सिखाना है कि किस तरह से उनको धक्का दिया जाता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सब याद में रख के आने वाले चुनाव में आप नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाएंगे। और हमारा जो राहुल गांधी जी के माध्यम से हमारे जो लोग आए हैं, नंदीराम शांडिल जी, उनको आप विजेता के देंगे, यही मुझे आशा है। और इसी के साथ मैं आपके बात समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय हिमाचल।